आचार संहिता के पालन को लेकर अफसर सख्त नजर आ रहे हैं। दिन में बैठकों के बाद रात को कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा सहित एसपी धर्मवीर सिंह अमले के साथ सड़क पर उतरे। उन्होंने पैदल गश्त कर सार्वजनिक स्थलों पर लगे बैनर एवं होर्डिंग को उतरवाया। कर्मचारियों को हिदायत दी कि आचार संहिता का सख्ती से पालन कराया जाए, कोताही बरदाश्त नहीं की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट खरगोन। निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन की घोषणा करते ही जिले में सभी नगरीय निकायों में और पंचायत क्षेत्रों में आदर्श आचरण संहिता का पालन कराने के लिए संपत्ति विपणन अधिनियम के तहत सभी टीमों ने कार्रवाई की है। और क्या कार्रवाई में कोई कमी तो नहीं रह गई है? मैं और एसपी साहब और हमारी पूरी टीम द्वारा शहर का भ्रमण किया गया है, पाया गया है कि लगभग 99% सभी प्रचार सामग्री उसमें होर्डिंग पोस्टर बैनर सब हटा दिए गए हैं और हम लोगों के द्वारा निरीक्षण कर रहे हैं। यदि कोई कमी है तो उसको दुरुस्त किया जाएगा। कुछ ही समय में इतनी जल्दी पूरे जिले में जो प्रचार सामग्री साफ करने का जो मुहिम चल रही है, हमने सभी टीमों को निर्देश भी दिए हुए हैं कि ये 24 घंटे में पूरी सामग्री साफ होना है और उम्मीद है कल सुबह तक सारी सामग्री साफ हो जाएगी। सर, आगामी चुनाव को देखते हुए, त्योहारों को देखते हुए भी किसी तरह की पाबंदियाँ लगाई जाएगी? जो विभिन्न तरह के जो आदेश जारी करने थे वो सभी आदेश जारी किए गए हैं। त्योहारों पर वैसे कोई पाबंदी नहीं है, पर पॉलिटिकल जो लोग हैं उन पर पाबंदी है, उसमें पूरा विस्तृत आदेश जारी किए गए हैं। आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 News। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।